हेलो फ्रेंड्स, रेसिपीज मेरी जी बाय साधना और साधना जुम्मन रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्र के लिए दो तरह की साबूदाना खिचड़ी। ये बहुत ही खिली खिली और टेस्टी होती है, तो चलिए शुरू करते हैं साबूदाना खिचड़ी बनाना। मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म कर लेंगे। 2 चम्मच तेल लेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। अब उसमें मूंगफली के दाने फ्राई कर लेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आया है, आप देख सकते हैं। आप अच्छे से फ्राई हुए मूंगफली के दाने निकाल लेते। सेम कढ़ाई यूज करेंगे। एक कटा हुआ आलू डालेंगे और फ्राई करेंगे। चलाते हुए धीमी आंच पे 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। आलू को 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है, निकाल लेते। बिल्कुल पनीर की तरह दिख रहे हैं। सेम कढ़ाई यूज करेंगे। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे से फ्राई होने के बाद 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। मिर्च को 1 मिनट तक भून लिया है। अब उसमें 1 कप भिगो के रखा हुआ साबूदाना डालेंगे। साबूदाना अच्छे से भिगो के लिया था इस तरह। अब उसमें डालेंगे रोस्टेड मूंगफली के दाने का कूट, दरदरा ग्राइंड करके लिया है 1/2 कप, 1 कप साबूदाना के लिए। मिक्स कर लेते अच्छे से और उसमें डालें स्वाद के अनुसार नमक। सेंधा नमक लिया है। फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। और उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिनट तक खिचड़ी को पकने दिया। अब उसमें डालेंगे फ्राई किए हुए मूंगफली के दाने। हो गए हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार। सर्विंग प्लेट में निकाल लेते। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही खिली खिली साबूदाना खिचड़ी तैयार हुई है। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म हो चुका है। अब उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अगर आप जीरा खाना पसंद नहीं करते तो मत डालिए। और 1 कप भिगो के रखा हुआ साबूदाना। और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेते अच्छे से। साबूदाना का 2 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे रोस्टेड मूंगफली के दाने का कूट, 1/2 कप कूट लिया है 1 कप साबूदाना के लिए।
गरदरा ग्राइंड करके लिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, सेंधा नमक लिया है। बहुत ही खिली खिली साबूदाना खिचड़ी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब उसमें डालेंगे एक उबला हुआ आलू, उसे कट करके लिया है और आलू को मिक्स कर लेते हैं। चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक साबूदाना को अच्छे से पकने दिया। अब उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हो गई हमारी गर्मा गर्म साबूदाना खिचड़ी परोसने के लिए तैयार। सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए।